एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में युवा को कुशल, प्रशिक्षित और उद्यमी बनाने में प्रयासरत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कृषि से संबंधित 19 उपक्षेत्रों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत विभिन्न योग्यता पैक अर्थात क्वालिफिकेशन पैक विकसित किए हैं, जिनमें से आज हम खेत के मशीनीकरण और परिशुद्ध खेती अर्थात फार्म मैकेनाइजेशन और प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इस उपक्षेत्र में दक्षता के लिए लगभग 20 जॉब रोल बनाए गए हैं। आज हम इन्हीं में से एक जॉब रोल सोलर पंप टेक्नीशियन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियों की। साइट मूल्यांकन का संचालन और पंप स्थापना की योजना बनाना, सोलर पैनल, बैटरी और नल साजी प्रणाली स्थापित करना, सोलर पंप के रखरखाव और मरम्मत का कार्य करना। अब जानते हैं कि आप इस कोर्स को करके क्या सीखेंगे। मॉड्यूल 1 के अंदर सोलर पंप टेक्नीशियन की भूमिका का परिचय, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में साइट मूल्यांकन का संचालन और सोलर पंप स्थापना की योजना एवं उसे स्थापित करना, मॉड्यूल 4 में नल साजी प्रणाली और पानी पंप की स्थापना, मॉड्यूल 5 में मरम्मत और सोलर पंप सेटअप का रखरखाव, मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7 में छोटे उद्यम के लिए उद्यमशीलता एवं रोजगार गतिविधियां, मॉड्यूल 8 में स्वच्छता एवं सुरक्षा का ध्यान। इस जॉब रोल में नामांकन करने की पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार है: 12वीं पास या ITI या 6 महीने के प्रासंगिक अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त निकाय से संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, 10वीं पास और उसके साथ 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव, 8वीं पास और उसके साथ 4 साल का प्रासंगिक अनुभव, NSQF स्तर 3 ग्रीन हाउस ऑपरेटर या खेत कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र और उसके साथ 2 साल का प्रासंगिक अनुभव। प्रशिक्षण की अवधि 380 घंटे है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार सोलर पंप टेक्नीशियन के इस लेवल 4 कोर्स में सर्टिफिकेट प्राप्त करके आप अपने लेवल 5 सेल्स एसोसिएट और लेवल 6 सेल्स इंजीनियर के लिए अप्लाई कर अपग्रेड कर सकते हैं। योर जॉब रोल आपको संबंधित कंपनियां जैसे शक्ति पंप्स, लूबी सोलर, फैल्कन पंप्स आदि कंपनियों में रोजगार का अवसर प्राप्त करवा सकता है। इसके अलावा यह आपको स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनाएगा। आप भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई फंडिंग स्कीम जैसे PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के माध्यम से खुद को स्वनियोजित कर सकते हैं। इसके तहत केंद्र वित्तीय सहायता 30%, राज्य सरकार की सब्सिडी 30%, शेष 40% किसान द्वारा भुगतान किया जाएगा। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से आज ही संपर्क करें।